transformation. First of all, we have to consider what is transformation. In transformation, there is only grammatical change. One grammatical form is changed into another grammatical form, but there is no change in Hindi meaning. आज का हमारा टॉपिक है रिमूव एडवर्ब टू. टू को रिमूव करना था हटाना. पहला सेंटेंस है राम इज टू ओल्ड टू टीच. इसकी हिंदी हुई राम पढ़ाने के लिए बहुत बूढ़ा है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं राम इतना बूढ़ा है कि वो पढ़ा ही नहीं सकता है. इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी. बी का मतलब होता है इज एम आर. जो भी वर्ब होगी यहाँ पर वो लिखेंगे. टू के साथ हम शो कर देंगे. जो एडजेक्टिव है वो लिख देंगे. उसके बाद अपने आप हम दैट लगाएंगे और प्रोनाउन का प्रयोग पहले सेंटेंस के अनुसार करेंगे. सब्जेक्ट जैसे राम है तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही. यहाँ सीता होता तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाता है सी. प्रोनाउन भी लिखेंगे. उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब लगाएंगे. कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग में कन्फ्यूजन हो सकता है. मैं आपको बता दूं यदि दैट के पहले का सेंटेंस किसी भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे. यदि पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे. जैसे राम एक सो उनके स्थान पर सो लिख दिया गया है. सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट टीच. अब राम का प्रोनाउन ही होगा. अगर यहाँ सीता लिखा होगा तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे. कैन नॉट टीच. दूसरा एग्जाम्पल इसका है रूल. यदि एडजेक्टिव के बाद फार प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होगा. यदि एडजेक्टिव के बाद फार प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होगा. देखिए ऊपर फार प्लस ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया है. तो इसका रिमूव टू करते समय फार के स्थान पर दैट लिख देते हैं और मी का प्रोनाउन लिख देते हैं. अब जैसे ऊपर चार्ट बनाया गया है फार मी के स्थान पर दैट आई लिखेंगे. फार हर के स्थान पर दैट सी लिखेंगे. फार यू के स्थान पर दैट यू लिखेंगे. फार दे के स्थान पर दैट दे लिखेंगे. फार अस के स्थान पर दैट भी लिखेंगे. और फार हिम के स्थान पर दैट भी लिखेंगे. और फार वन के स्थान पर फार वन भी लिखेंगे. लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हो फार राम होगा. अगर कोई भी थर्ड पर्सन होगा तो उसको वैसे ही लिखेंगे. फार राम है तो राम ही लिख देंगे. अब जैसे इसमें एक सेंटेंस है द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक. द टी इज सो हार्ड. अब फॉर के स्थान पर दैट और बी का प्रोनाउन आई वर. आई कैन नॉट ड्रिंक इट. और ऐसे सेंटेंस के अंत में इट जरूर लिखेंगे. दूसरा एग्जांपल है द टी वाज टू हाई फॉर हर टू क्लाइम. अब यहाँ पर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में अगर आ गया है तो वहाँ पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे. द टी वाज सो हाई दैट शी कुड नॉट क्लाइम इट. दो नियम है. फिर तीसरा नियम है यदि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग ना किया गया हो अर्थात की फर्स्ट बार ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे. टू के स्थान पर ओवर एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली इसकी हिंदी होती है अत्यधिक को टू के स्थान पर लिख देंगे. या एक नियम है एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं और टू को हटा देते हैं. एग्जाम्पल है द गंगा वाटर ऑफ कानपुर इज टू प्योर. मतलब कानपुर का गंगा का पानी अत्यधिक शुद्ध है. तो द गंगा वाटर ऑफ कानपुर इज ओवर प्योर. ओवर का मतलब भी हो गया अत्यधिक. ओवर को हम एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे. तीन शब्द हैं ओवर एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली. लेकिन अगर हमें इसको दूसरी तरफ से करेंगे तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करेंगे. जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं द गंगा वाटर ऑफ कानपुर इज प्योर पहले करेंगे प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. और इसमें एक विशेष सेंटेंस है रेनर मार्टिन ने लिखा है. यदि टू वाला सेंटेंस यदि टू वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा तो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में होगा. और विल या वुड का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे सी इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर टेक्स. इसका मतलब सी इज सो क्लेवर दैट सी विल सी थ्रू योर टेक्स. अब यहाँ पर टैन का प्रयोग नहीं करेंगे विल का ही प्रयोग तथा सेंटेंस निगेटिव नहीं होगा क्योंकि रिमूव टू वाले सेंटेंस में यदि नॉट का प्रयोग होता है तो दूसरे सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होगा. और जिस यदि रिमूव टू वाले में नॉट का प्रयोग नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस होता है. और टू का प्रयोग ही नकारात्मक के लिए होता है. जैसे हम कहते हैं कि ही इज टू फैट टू गो. तो ही इज टू फैट टू गो वह जाने के लिए बहुत छोटा है तो ही इज टू फैट दैट ही कैन नॉट गो. आज के मुद्दों में बच्चों देखा है क्या समझते हैं.